नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। NHAI की 5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक किसान की जमीन का मुआवजा न देना भारी पड़ गया। जबलपुर जिला अदालत के आदेश पर नाजरात विभाग के अधिकारियों ने NHAI के ऑफिस में कुर्क की कार्रवाई शुरू कर दी। मामला जबलपुर मंडला फोरलेन नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान 1 एकड़ 52 डिसमिल जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, जो कि 7 साल पुराना था, जिसमें अब जाकर किसान को राहत मिली है। दरअसल NHAI 2016 में मंडला जिले के कटियाघाट के पास स्थित किसान रोहित गुप्ता की करीब 1.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की थी। इसके बदले NHAI को 5 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान करना था, लेकिन NHAI ने गलत तरीके से मुआवजे की राशि का निर्धारण कर दिया और किसान की जमीन की कीमत सिर्फ 1 करोड़ रुपए तय कर दी। किसान रोहित गुप्ता ने NHAI के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस में याचिका दायर की और बताया कि जमीन की कीमत बाजार भाव के हिसाब से तकरीबन 5 करोड़ रुपए तय है। कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद भी जब NHAI ने मुआवजे की रकम नहीं दी, जिसके बाद किसान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां भी हाई कोर्ट ने कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर मोहर लगा दी और मुआवजे की राशि तय कर दी। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी NHAI के अधिकारियों ने किसान को मुआवजा नहीं दिया। इसके बाद एक बार फिर किसान की ओर से जिला अदालत में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर जिला अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कुर्क के आदेश दे दिए। इस आदेश के परिपालन में जिला अदालत के नाजरात विभाग के अधिकारियों ने NHAI ऑफिस से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। किसान रोहित गुप्ता का कहना है कि उम्मीद है कि कोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही उसका मुआवजा मिल जाएगा, जो कि पिछले 7 सालों से रुका हुआ है। जा रहे दंपत्ति का आर्मी सेंटर के सामने पलटा ऑटो। जबलपुर के गोरा बाजार थाना अंतर्गत 2TTR के पास बीती रात एक बेलगाम ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति को भी गंभीर चोटें आई हैं। ऑटो रिक्शा सवार दंपत्ति अपनी बेटी से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बिलहरी निवासी 54 वर्षीय सुनीता स्वामी बीती रात रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा से पति बेलू स्वामी के साथ जा रही थी। जैसे ही ऑटो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर 2TTR के पास पहुंचा, ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए ऑटो पलटा दिया। घटना में ऑटो रिक्शा सवार महिला सुनीता स्वामी को सिर पर गंभीर चोटें आई, वहीं पति भी गंभीर घायल हो गए। घायल होने के बाद भी पति अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत सुनीता को मृत घोषित कर दिया। वहीं पति बेलू स्वामी ने बताया कि उनकी बेटी विदिशा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, जिससे मिलने वो जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो चालक ऑटो बहुत तेज चला रहा था, इस वजह से 2TTR के सामने ऑटो बहका और पलट गया और बेटी से मिलने जा रहे माता पिता सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। व्यापारी पर चाकू से हमला कर किया घायल। जबलपुर में पान व्यापारी से गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। जांच में पता चला है कि आरोपी सलमान, समीर एवं गुल्लू और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद मौके पर आरोपियों ने दुकान से नकद 45,000 और बिक्री की सारी रकम लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार हेतु विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के लिए न तो नर्स मौजूद थी और न ही कोई डॉक्टर, जिससे घायल की हालत और बिगड़ गई और उसे इलाज हेतु मेडिकल रेफर कर दिया गया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी बताएं। हमारी पान की दुकान है, हमारा छोटा भाई और पापा चलाते हैं। हमारा छोटा भाई दुकान चला रहा था और वो खाना खाने के लिए उठने वाला था,
तो अब्बा उसको 45,000 रुपये दे के गए थे कि हम आ रहे हैं तो दुकान से तुम उठना तो सामान ले आना। थोड़ी देर बाद सलमान, समीर मुंडा और गुल्लू और उसके साथ में जो भी लड़के रहे, दारू पी के छोटे वाले से गासी लिए 40 वाली और उसको गाली बकने लगे, तो उसको चाकू निकाल के दुकान से मारे हैं। क्यों मारे, कोई पुरानी रंजिश थी क्या? वो हमारे यहाँ झगड़ा हुआ था बहुत पहले, वही रंजिश निकाल रहा वो समीर मुंडा। कहाँ रहते हैं जी, क्या करते हैं? हमारे घर के थोड़े से आगे रहते हैं और लड़के 4 खंभे के हैं और 2 लड़के हमारे टक्करी ग्राम के। 45,000 रुपये भी ले गए और दुकान की जो बिक्री थी वो भी सब ले गए, केवल 10-20 के नोट डले हैं नीचे। बस कोई चाकूबाजी का मामला, एक मारपीट की घटना नूरानी मस्जिद के पास हुई और फरियादी में जो जाहिद करके वो आए और उसको मुलाजे के लिए विक्टोरिया भिजवाए। पीठ में उसके किसी धारदार चीज़ से जो है चोट लगी हुई है और प्रथम दृष्टया तो साधारण चोट प्रतीत हो रही है, फिर भी इलाज के लिए उनको 1-2 दिन के लिए एडमिट कराया गया है। और कारण उन्होंने ये बताया कि समीर मुंडा और गुल्लू में ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और आए दिन इनका काम मारपीट करना होता है, वो आज भी पुरानी बुराई को लेके आए और उनसे कहने लगे कि यहाँ रहना है तो आपको हफ्ता वसूली देना पड़ेगा 1,000 रुपये और उसमें मना किया इसने तो उसके साथ फिर मारपीट इसने कर दी है। प्रकरण में जो है IPC की धाराओं में जो है 294, 324, 327 और 34 के तहत आरोपी समीर मुंडा और गुल्लू इनके विरुद्ध जो है अपराध प्रथम पंजीबद्ध कर रहे हैं। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।